हम लोग जो दो दिन से प्रशिक्षण शिविर में आए हैं, तो उसका क्या, आज से आप लोग जब जाएंगे तो आपके नाम के साथ एक टैग लग रहा है, उस टैग का क्या नाम है? गंगा। सबको पता है ना? आज जो आए उनको पता है, आज से आपके नाम के साथ एक टैग लगने वाला है। मैंने बताया था ना कि सीता माँ को जब रावण हरण करके ले गया था और जब उनका पता लगाना था और जब सेना चली तो लोग उस सेना को क्या कहे? राम जी के दूत, राम के दूत। ठीक है, उस तरह गंगा स्वच्छता लेकर हम यहाँ से प्रशिक्षण लेकर के जाएंगे और लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करेंगे, गंगा स्वच्छता के प्रति प्रेरित करेंगे। तो हम आज से क्या हो जाएंगे? गंगा जी के आज वाले लोग, आज जो लोग आए हैं सुन रहे हैं ना, तो आज से हम क्या कह जाएंगे? गंगा दूत। ठीक है, आपका काम क्या होगा? आपका क्या काम होगा? एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके, एक साथ हल्ला करके नहीं बोलेंगे। तो आज से हमारा काम होगा, हम सब किसने कहा सफाई करना? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारा वर्क क्या है? हम एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, तो हमें सबसे पहले काम पढ़ाई करना है। ठीक है ना? उसके साथ हमें अपने दैनिक जीवन में गंगा स्वच्छता का जो विषय है उसको डाल देना है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हम अगर गंगा घाट पे जाते हैं तो लोगों को ये बताएं, जो लोग गंगा घाट को गंदा करते हैं उनको हमें बताएं भाई हमें गंगा घाट को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ से दो दिन प्रशिक्षण लेके जा रहे हैं और कभी हम गंगा घाट पे गए और कोई तीसरा आदमी आया घर से प्लास्टिक कूड़ा कचरा लेकर के आया, गंगा जी में डाला, पानी निकाल के शरीर में छींटा और चल दिया, बोला गंगा मैया प्रणाम। अगर हमारे सामने ऐसी चीजें होती है तो हमें उनको रोकना है, रोकना भी नहीं टोकना है। टोकना कहने का मतलब कि भाई उनको समझाना है कि हम क्यों इनको गंदा कर रहे हैं, हम इनसे ले रहे हैं, तो फिर हम इन्हें गंदा करके क्या हासिल करेंगे, क्या पाएंगे, है कि नहीं? मैंने कल जानवर वाला भी आपको कहानी बताया था कि अगर हम जानवर के दूध पीते हैं, गाय का हम दूध पीते, तो गाय पानी तो फिर नदी से ही नहीं पीता है, गंगा से ही पीता है, तो फिर वो पानी, वो जो हम दूध पी रहे हैं उसका, जब वो इन्फेक्टेड पानी पी रहा है, इन्फेक्टेड पानी पी रहा है गाय, और उसका दूध हम पी रहे हैं, तो क्या हम वो चीज को नहीं ग्रहण कर रहे हैं? बिल्कुल ग्रहण कर रहे हैं। तो ये तरीका था, आज जब आप यहाँ से सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे, सब लोग अपना नंबर दे रहे हैं ना उस पे? या तो आप अपना नंबर उस पे ले सकते हैं, और अगर आप कंफर्ट नहीं है तो आप अपने गार्जियन का नंबर उस पे दे दीजिए। ठीक है ना? पिताजी का नंबर दे दीजिए, इसलिए क्योंकि आज से आप हमारे साथ जुड़ के रहेंगे। जुड़ के रहने का मतलब कि अगर हम किसी प्रकार के कार्यक्रम आपके गांव घर में चलाते हैं तो आप अगर हमारे साथ रहें और बेहतर होगा। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है कि अगर हम किसी तरीके का बेहतर कार्यक्रम करना चाहते हैं, अभी हम लोग 5 तारीख को अहिरौली में, अहिरौली आप लोग जानते हैं? Yes, sir. अहिल्या देवी जी का जो जी के नाम से जाना जाता है, उसमें हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं। और आप पता है कौन सा कार्यक्रम? जिस तरह से आप लोग हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं, उसी तरह से अहिरौली गांव में हमने 50 लोगों को प्रशिक्षण दिया था। उन 50 लोगों ने मुझसे संपर्क करके कहा कि सर हम लोग ऐसे कार्यक्रम चलाना चाहते हैं, एक पौधा आपके द्वार। ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, जितने गांव में घर है सभी घर के पीछे या आगे में एक एक पौधा लगाएंगे। देखिए उन लोगों की सोच को देखिए, और उन लोगों को मतलब उन लोगों ने पौधा लगाने का सोचा इसलिए है कि एक तो हम पौधा लगाएंगे अपने घर के आगे या पीछे तो उससे हमें छाया मिलेगा, अगर फलदार वृक्ष लगाएंगे तो हमें फल मिलेगा। दूसरा चीज, पौधा जब हम लोग लगाते हैं, सर आपको विशेष रूप से बताएंगे, तो पानी जो नीचे हम लोग पहले क्या 45 फीट या 30 फीट पे पानी हमें आसानी से मिलता था जो हम पी लेते हैं, आज क्या होता है पानी का जो लेयर है जमीनी सतह है वो 100 या 100 से ज्यादा फीट चला गया, मतलब पानी जमीन में प्रतिदिन नीचे की तरफ जा रहा है ना। तो जब हम पौधा लगाते हैं तो पौधा लगाने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, फायदा क्या होता है, पानी का जो लेयर है वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, सब लोग बताइए क्या होता है? तो हमें क्या, हम क्या होता है, हम लोग जानते हैं ना विश्व युद्ध के नाम के बारे में सुने हैं आप लोग? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, दो विश्व युद्ध हो चुके हैं संसार में,
और तीसरा विश्वजीत किसकी, तीसरा विश्वजीत होने की नौबत क्या है? पानी। हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे पानी बिल्कुल नहीं। केरल, केरल जो है राजस्थान को रीजन, राजस्थान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे पानी है ही नहीं। हम लोग तो आराम से समर्सिबल खोलते हैं, मोटर खोलते हैं, 10 घंटे आराम, 1-1 घंटे नहाते हैं, है ना, 10-10 बाल्टी पानी का यूज करते हैं। 1 बाल्टी पानी में नहाना, स्नान कर लेते हैं, कर लेना चाहिए। हम 10 बाल्टी पानी का स्नान करते हैं, अपना अपना पाइप धोने के लिए हम खोल देते हैं, 20-20 मिनट तक पाइप धोते हैं पाइप से। तो अरौली में उस कार्यक्रम में रहते तो अविनाश जी कर रहे हैं, देखिए अविनाश जी, यही अविनाश जी हैं। और वो जो कार्यक्रम है एक पौधा अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रशिक्षण लेके जा रहे हैं, हम लोगों को जागरूक करेंगे। मैंने कल भी बताया था, एक घर में सदस्यों की संख्या होती है 5-6, 5 तो मिनिमम, मैक्सिमम में 50 हो जा सकता है। अब मेरा परिवार है, मेरे दादाजी 5 भाई, मेरे जो पिताजी हैं सबको मिला दिया जाए तो 26-27 है, और अगर हम भाइयों की संख्या मिला दी जाए 40-42 है। मतलब मेरा जो परिवार है पूरा, मतलब पूरे देश में लोग हैं 100 से 150 की संख्या है। तो हम क्या है, हम यहाँ पे काम करते हैं नमामि गंगे के लिए, हम काम करते हैं। तो हमारे सभी लोग क्या है, घर के सभी लोगों को पता है कि हमें गंगा को गंदा नहीं करना। तो हम अपने शुरुआत गंगा सप्ताह की शुरुआत हम क्या करते हैं, अपने घर से करना है। कहाँ से करना है, हमें इसकी शुरुआत अपने घरों से करनी है, ठीक है ना। आप सभी अभी बरसात आ रहा है ना, कौन लोग ऐसे हैं जो 5 पौधे लगाएंगे अपने अपने घर में, आस पास स्कूल में या अपने कोचिंग में, कौन कौन लोग हैं जो 5-5 पौधे लगाएंगे? आप खड़े हुई, मैंने मैंने क्या बोला, अभी मैंने क्या बताया, कितना पौधा, कितना सेक्शन है? मैंने बताया है, मैंने बोला है आपको कि कौन लोग ऐसे हैं जो इस पूरे बरसात में 5-5 पौधे लगाएंगे। सभी लोग लगाएंगे, क्या करना है इस पूरे बरसात में, सुनिए टोपी वाले भैया, 5 मिनट। तो हमें क्या करना है, पूरे बरसात में 5 पौधे लगाने हैं। कितने पौधे लगाने हैं? 5। एक दिन में नहीं लगाना है, क्या करना है, 5 दिन में 5 लगाना है, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम अपने जीवन में 5 पौधे लगाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं महाराजा कॉलेज का विद्यार्थी था, उस समय हम लोग जब काम करते थे तो मैं खूब कॉलेज में मैंने पौधा लगाया। तो हमने क्या किया था कि हम लोग जब कॉलेज में पौधा लगाते थे तो हम क्या करते थे ना, कि जैसे हम 5 दोस्त हैं तो मैं क्या करता था, जैसे मैं हूँ, अविनाश जी हैं, सोनू जी हैं, सर हैं, तो हम जब 5 पौधे लगाते थे तो मैं कहता था अपने दोस्तों से, अविनाश जी इस पौधे का नाम अविनाश रहेगा, ठीक है, इस पौधे का नाम क्या रहेगा, अविनाश, इस पौधे का क्या नाम रहेगा, शैलेश मेरा नाम रहेगा, वो जो तीसरा पौधा है उसका नाम रहेगा राजकुमारी, ठीक है, जो चौथा पौधा होगा उसका नाम रहेगा राहुल, पांचवा पौधा रहेगा उसका नाम रहेगा सोनू। क्यों कहते थे पता है, व्यक्ति खुद से मरना नहीं चाहता, हम चाहते हैं कि हम मरे, हम चाहते हैं 100 साल का बुजुर्ग आदमी भी है उसे पूछिएगा कि कैसे है, मैं बिल्कुल ठीक, ठीक है ना, उसको खाली बोल दीजिए 100 साल के बुजुर्ग को कि अब तो आपका उम्र भी हो गया है, पर उसको और कुछ नहीं बोलना है, उसको सिर्फ इतना बोल दीजिए अब तो आपका उम्र हो गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 100 से कम गाली बुजुर्ग नहीं देगा, क्योंकि उसकी इच्छा सबकी है जीने की, सब लोग जीना चाहता है। इसलिए क्या करिए, आप अगर 5 पौधे लगाते हैं तो क्या करिए, एक का नाम अपनी मम्मी, एक पौधे का नाम अपनी मम्मी के नाम पर रख दीजिए, एक पौधे का नाम अपने पिताजी के नाम पर रख दीजिए, एक पौधे का नाम खुद का रख लीजिए और अपने भाई बहन का भी नाम रख दीजिए। उससे क्या होगा, आप कहीं बाहर चले जाएंगे, आप पौधे लगा लेंगे, और बरसात में पौधे लगाने का क्या फायदा है, पौधे
बरसात में पौधे लगाने के क्या फायदे होते हैं? पानी हमें कम देना पड़ता है और पौधे आसानी से हम बचा सकते हैं। ठीक है, क्या भाई कुछ बोल रहे हैं? क्या हो गया? तो होता क्या है कि जब हम बरसात में पौधे लगाते हैं तो पौधे आसानी से बच जाते हैं। सपोज करिए अगर आप मैट्रिकुलेशन में हैं, इंटरमीडिएट में या ग्रेजुएशन में, आपकी नौकरी लग जाती है, आप बाहर चले जाए नौकरी करके, ठीक है, आप 2 साल 4 साल 5 साल बाद जब लौट करके आएंगे और साथ और सामने जब वो आपका लगाया और ब्रेक आपको दिखेगा ना, उससे ज़्यादा सुकून का पल आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। होगा कि नहीं होगा? आप नाश्ता करके नहीं आएंगे क्या? तो फिर आपके लिए सुकून का पल होगा ना? पिताजी अपने हमारे पिताजी है ना, आप थोड़ा सा हमें अनुभव करने की आवश्यकता है। हमारे साथ घटनाएं होती है लेकिन उसको डीपली सोच नहीं पाते हैं। एक पिता जो अपने पुत्र को पाल पोष के बड़ा करता है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, एक पिता जब अपने पुत्र को या पुत्री को पाल पोष के बड़ा करता है, और सपोज करिए मैं नहीं हूँ और पिताजी के सामने, पिताजी हमारे बहुत अच्छे हैं और उनके सामने मैं पढ़ा लिखा एक अच्छा ऑफिसर बन जाता हूँ, और जब मैं अपने घर लौट के आता हूँ पापा मम्मी देखते हैं तो उनके आँख से आंसू आ जाता है, आता है कि नहीं आता है? क्यों आता है? क्यों आता है बताइए? हाँ बोलो सर। तुम्हें लगता है कि हम अपने बच्चे को सफल करा रहे हैं? ठीक है, और कोई? और कोई और भी बताइए। मैट्रिक कौन कौन पास किया है तुमने? उनका सर जो है ना मतलब गर्व से ऊंचा हो जाता है, बहुत अच्छा। और ये सब मैट्रिक कौन कौन पास कर चुके हैं? हाथ खड़ा करिए। इसमें मैट्रिक पास करने वाले में कौन से ऐसे लोग हैं जिनका मार्क्स जो है 70% या 80% आता है, आया हुआ है? कितना है आपका? 73। तो हाँ हाँ मैं वही बता रहा था कि आप सपोज करिए जब आप मैट्रिक पास करते हैं तो उस समय क्या होता है, जो आपके गार्जियन होते हैं उनके मन के अंदर एक शांति प्रवृत्ति जगती है कि चलो मैंने कितना कष्ट करके अपने बच्चे को पढ़ाया है तो उसका खमियाजा या उसका जो फल है हमारे सामने आ गया। पौधे को पुत्र के सेंस में ही देखना चाहिए। जितने पेड़ पौधे वृक्ष होते हैं उनको भी किस सेंस में देखना चाहिए? पुत्र के ही सेंस में देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक पिता और एक माता अपने पुत्र पुत्री को पाल पोष के बड़ा करते हैं, उसी तरह हम क्या करते हैं, पौधे लगाते हैं। आप देखते होंगे कोई भी अगर बगल में या हमारे घर के आस पड़ोस में अगर कोई बागवानी करता है, पौधे लगाता है, तो क्या करता है, दिन रात उसको मेहनत करता है, उसको कोड़ेगा, उसको मतलब महीने में 4 बार उसको पानी देगा, खाद देगा, और वो पौधा क्या होता है, धीरे 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 क्या होता है, बढ़ता होता है, मतलब बढ़ते जाता है। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, जैसे जैसे वो पौधा बढ़ता है तो क्या होता है, थोड़ा बढ़ता है तो छाया देना शुरू करता है ना, फिर उससे बड़ा होगा तो और छाया देगा, और जैसे जैसे बढ़ता है उसके साथ ऑक्सीजन का लेवल भी अपने साथ बढ़ाता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का लेवल जब बढ़ता है तो क्या होता है, हम आराम से, अब ये गर्मी का मौसम है, हम लोग आते हैं कहीं से भी तो क्या करते हैं, जहाँ पौधा अच्छा दिख गया, पीपल का पेड़ दिख गया, आम का पेड़ दिख गया, तुरंत हम रुक करके वहाँ उसके नीचे में थोड़ा देर सुकून के पल लेते हैं, लेते हैं ना। तो पौधे कैसे जैसे बढ़ते हैं उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, छाया देता है ना, और फिर और बढ़ता है तो धीरे धीरे फल देना शुरू करता है। तो एक पुत्र में और एक पौधे में एक समानता है कि नहीं है, बताइए सभी लोग बोलिए, समानता है कि नहीं है? अगर मेरे पिताजी ने मुझे पाल पोष के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तो मेरा क्या फर्ज बनता है, हमारे पिता माता जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो मैं कैसे कमाऊंगा, कैसे कमा करके उन्हें अच्छे से खिलाऊंगा, उन्हें अच्छे पहन अच्छे वस्त्र पहनाऊंगा, उनकी भी यही लालसा होती है, और क्या होता है, और क्या है उनके मन में, उन्हें तो ये नहीं है भाई तू मुझे स्वर्ग में पहुंचा दो, ऐसा नहीं, उन्हें सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए, उन्हें यही चाहिए कि अगर मैं बुजुर्ग अवस्था में जाता हूँ तो मेरे जो बच्चे होंगे मुझे अच्छा खाना खिलाएंगे, मुझे अच्छे से नहलाएंगे,
उनमें क्या होता है? तो जब हम दोनों चीजों को कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, एक पुत्र और एक पौधा में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं। सब सब समझ गए ना? तो कौन कौन पांच पौधे लगाएंगे? अच्छा आप नहीं लगाएंगे, खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आप पौधे नहीं लगाएंगे? लगाएंगे आप? आपने लगाया है, अच्छी बात है, लगाया है। लेकिन आप सामूहिकता में है, यहाँ सब लोग मतलब एनर्जी से हाथ खड़े कर रहे हैं कि हम भी लगाएंगे। वहां पे अपना हाथ तो आराम से उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, बैठे। एक बात और, वो राजा वाली आपने घटना सुनी है ना, राजा वाली और एक बुजुर्ग वाला, बुजुर्ग जो अपने खेत में पौधा लगा रहा था और 80 साल को उसके ऊपर से मतलब उनकी स्थिति नहीं थी जो पौधे लगाए, तो उसी रास्ते से राजा गुजर रहे थे। राजा मैंने कहा कि कैसे बुजुर्ग आदमी है पौधे लगा रहे हैं? राजा को ये देख करके बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बुजुर्ग के पास गए, उन्होंने पूछा बाबा ये जो आप पौधे लगा रहे हैं ये किस काम के लगा रहे हैं? जब तक ये पौधा बड़ा होगा तब तक तो आप धरती पर नहीं रहेंगे। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि मैं इस वृक्ष को अपने लिए नहीं लगा रहा हूँ, हमारी जो अगली पीढ़ी आएगी वो पीढ़ी इस वृक्ष का फल खाएगी, ठीक है ना? तो बहुत सारा काम हम अपने लिए नहीं करते हैं, हम अपने आने वाले को ही मिले करते हैं, ठीक है ना? पहले के जो बुजुर्ग थे वो कपड़े नहीं पहनते थे, वो मतलब क्या बोलते हैं पौधे में छाल वगैरह से अपने काम चलाते थे। लेकिन हमारे जो दादाजी थे परदादा जी थे, उन्होंने सोचा नहीं हमें कपड़े पहनना है, फिर उसको आज उन्होंने शुरू किया ना, फेसबुक कौन कौन यूज करते हैं? सब लोग चलाते हैं, हाँ ठीक है, सब लोग पौधे लगाएंगे और उसे सोशल मीडिया फेसबुक पे डालेंगे, ठीक है ना? इंस्टाग्राम पे चलाते हैं ना? अच्छा ट्विटर पर क्यों चलाते हैं? ट्विटर पर चलाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। हम क्या करेंगे सुनिए, हैशटैग कौन कौन समझते हैं? हैशटैग समझते हैं, क्या होता है हैशटैग? हाँ मतलब एक अभियान के लिए भी हम हैशटैग चलाते हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, पौधे लगाएंगे उसको अपने सोशल मीडिया पर डालेंगे, फेसबुक पर डालेंगे, और देखेंगे क्या पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए और गंगा को सुरक्षित रखने के लिए हमें एक पौधा क्या करना चाहिए। हमें ना आवाज हम बड़ी कम सुनाई देता है, पर्यावरण और गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए हमें क्या करना है, इसे कहाँ पोस्ट करना है, कहाँ पे करना है, सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम जहाँ पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ तक व्हाट्सएप का स्टेटस और डीपी में लगा दिया। आपको एक काम और करना है, आप जब पौधे लगाएंगे तो क्या करेंगे, अपने पूरे घर परिवार के साथ लगाएंगे। आप सबका नंबर मेरे पास आ गया है, मैं कभी आराम से ऑफिस पर रहूंगा, मेरे पास कोई काम नहीं रहेगा, तो मैं एक एक को फोन करूंगा और मैं पूछूंगा कि आपने पौधा लगाया है कि नहीं। मेरा नाम क्या है आप सबको पता है ना? कितने लोग मेरा नाम नहीं जानते हैं? एक बार फिर से बताइए आपको मेरा नाम क्या है। मैं क्या करता हूँ? नमामि गंगे परियोजना जो है उसका मैं डीपीओ हूँ, मैं उस कार्यक्रम को मैं देखता हूँ, ठीक है ना? हाँ मैं फोन करूंगा तो मैं बताऊंगा कि भाई मैं शैलेश बोल रहा हूँ, आपने पांच पौधे लगाए हैं, फिर आपका जवाब मुझे मिलेगा, तब मुझे पता चलेगा कि आपने लगाया कहीं लगाया। आप जब पौधे लगाएंगे तो किसके साथ लगाएंगे? परिवार में कोई भी आ सकता है, अपने मित्रों के साथ लगा सकते हैं। मैंने क्या कहा था आप लोगों को, हमें मुंह से रिएक्ट नहीं करना है, इससे बहुत एनर्जी लॉस होता है। मैं आपके आपके समक्ष बोल रहा हूँ तो समझिए मैं अपनी कितनी कैलोरी को खत्म कर रहा हूँ। इसलिए जब भी कोई बात बोलते हैं तो मुंह से रिएक्शन करना बंद कर दीजिए,
जिस दिन मुंह से रिएक्शन बंद करना बंद करिएगा ना, उस दिन आपको आत्म शांति का एहसास होगा। कभी आदमी को डांटते हुए देखे हैं? जो आदमी कष्ट से डांटता है समझिए उसके अंदर सहन शक्ति नहीं, उसके अंदर एनर्जी की कमी है। इसलिए मुंह से रिएक्शन करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जितना कम बोलेंगे ना उतना ही ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। इसे कभी भी कोई बात बोला जाता है तो आप मुंह से कम इशारों में ज्यादा समझने का प्रयास करिए। जैसे देखिए भाई साहब इशारों में ही हंस रहे हैं, मैंने उनको 3 बार बोल दिया फिर भी नहीं समझने को तैयार है। तो हमें क्या करना है, परिवार के साथ 5-5 पौधे लगाना है और आप लोगों ने मुझे उसको भेजना है, मुझे व्हाट्सएप पर उसे भेजना है, ठीक है ना। मैं उस फोटो को क्या करूंगा, नमामि गंगे मंत्रालय में वहां तक भेजूंगा और जो ट्विटर है, जो ऑफिशियल ट्विटर है उससे मैं उसको पोस्ट करूंगा और करवाऊंगा। तो सब लोग लगाएंगे 5 पौधे, ठीक है। अब क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, अब थोड़ी देर अविनाश को याद कर लेंगे, उसके बाद अविनाश जी जो है ना वो स्पीयर रेड है। ये मैं आपको बताता हूँ, सोनू सोनू को आप लोग पहचानते हैं ना? सोनू अविनाश जी और राहुल खड़े हुए आप लोग तीनों लोग, ये लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और आपको विश्वास होगा ये 10,000 पौधे लगा चुके हैं। कितने पौधे, देखिए इस चेहरा को, कितने पौधे लगाए इन्होंने, 10,000 लोग समझ रहे हैं ना। अविनाश जी प्रत्येक इनके बक्सर ब्लॉक में 17 गांव है गंगा के किनारे। अविनाश जी बक्सर प्रखंड से आते हैं और गंगा के किनारे 17 गंगा ग्राम आते हैं, ठीक है ना। अविनाश जी का काम यही है कि प्रत्येक महीना 17 गांव में घूम जाना है और घूम के क्या करना है, लोगों को जागरूक करना है कि हमें क्या करना है, गंगा को प्रदूषण नहीं करना है, प्रदूषित नहीं करना है, हमें गंगा को स्वच्छ रखना है, हमें गंगा को बचाना है, गंगा हमारी माँ है, ठीक है ना। इनको राहुल जी को भी आप लोग पहचान रहे हैं, राहुल जी और सोनू जी की मोबाइल तक नहीं दिया, उससे कोई फायदा नहीं, इसमें स्टोर करना चाहिए। इसमें आज बना स्टोर रहेगा, उसमें मेमोरी खत्म होगा, खराब होगा, खत्म हो जाएगा। तो इससे बड़ा मेमोरी पावर हमारे लिए कुछ नहीं, ये इसका कितना जीगा वाइफ है हम लोग भी पता नहीं लगा पाए आज तक। तो ये टीम जो है ना हमारे लिए क्या है, रोल मॉडल है। हम 2 पौधे लगाने के लिए सोचते हैं लेकिन 10,000 पौधे लगा चुके हैं, वो प्रत्येक महीने 17 गांव में घूम जाते हैं, लोग को जागरूक करते फिरते हैं, वो चले जाते हैं कहीं, मैं कभी दूसरे जगह रहूंगा तो मुझे फोन करके बोलते भैया हम यहाँ एक ऐसा कार्यक्रम कर सकते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। बैठे गंगा घाट, इनका घर भी गंगा घाट के किनारे है, वहां पे खूब अच्छा लाइट लगा हुआ था, लाइट लगा, रात को 12 बजे ये सो करके उठे, इनका ध्यान गया, तुरंत फोटो खींच करके मुझे भेजा और इन्होंने कहा भैया ये बहुत अच्छा हो गया, हम यहाँ पे कुछ अच्छा कार्यक्रम कर सकते हैं। तो सोचने का तरीका समझिए, है ना, सोचने का तरीका समझिए कि मतलब मन के अंदर एक ऐसी जिज्ञासा है कि हम अगर गंगा में स्नान करते हैं तो गंगा जब तक साफ नहीं रहेगी तो फिर स्नान करके हम वहां से बीमारियों को क्यों इकट्ठा करेंगे, है ना। आजकल ऐसा स्थिति है कि हम गंगा में स्नान करके आते हैं फिर घर में 4 लोग में से स्नान करते हैं। तो मैं चाहूंगा अविनाश जी कुछ देर बताएंगे, उसके बाद रस बिहारी शर्मा सर आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद कल भी भोजन के लिए आज जो आए हैं घर पे भोजन करेंगे, ठीक है। मतलब और एक चीज और, आपका कमिटमेंट चाहिए मुझे, आप लोग कार्यक्रम हमारे साथ रहेंगे ना, एक बार ऐसे हाथ खड़ा करके बोलिए, ठीक है। मुझे लगता है सुमरी के लोगों में बड़ी ऊर्जा है और ठीक, मैंने वही बात कहा था ना, हमें मुंह वाले रिएक्शन को बंद करना है। ये कैसे हो सकता है मुझे सोचना है, ठीक है ना। अच्छा कौन लोग इसमें हैं जो अपने साथ 10 युवाओं की टीम बना सकते हैं, अपने साथ 10 और लोगों को जोड़ना है, अपना नाम बताओ। शुभम मिश्रा, ठीक है। अरे हल्ला नहीं करो, एक एक करके। शुभम मिश्रा नहीं, तुम रहने दो, अभी तुम पढ़ो। और आपका नाम, आप लोग एक ही गांव के हैं ना? हाँ ठीक है, तो आपका एक मतलब लीडर रहेगा, ठीक है ना। और कोई इधर से, आपका क्या नाम है? नहीं आप क्योंकि दोनों तो आपके आपके आप सूरज जी, एक सेकेंड, सूरज कुमार पिताजी का नाम श्रीनिवास ना, ठीक है।
आपके पीछे आपका नाम बहुत काम आएगा विशाल, तुमने साइन किया इसमें? विशाल तुमने साइन किया इसमें? कितने नंबर पे है? विशाल कुमार राय। और कौन थे और किन्ने हाथ खड़ा किया था? आप कौन से गाँव? मानिकपुर का तो है राहुल जी। राजकुमार। कितने नंबर पर था आपका नाम? आप लोग एक ही साथ एक ही गांव के हैं ना? ठीक है, आप दोनों लीड करेंगे। विशाल कुमार राय उनका नाम आपका कितना नंबर? अच्छा ये हो जाएगा। और कौन था और कौन हाथ खड़ा किया था? तुम लोग अभी पढ़ो, ठीक है ना? करना है लेकिन थोड़ा सा भी पढ़ना है। आपका नाम क्या है? तेजस कुमार गुप्ता। कितने नंबर पे है आपका? और इधर इधर किसने हाथ खड़ा किया था? हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत। सुनिए, हल्ला नहीं, दो दो लोग जाएंगे केवल, बस दो। और कौन थे इधर इधर कौन थे? और लड़कियों में कोई इसने हाथ खड़ा किया था? यहाँ 10 लड़कियों की टीम बना सकते हैं। आपका नाम क्या है? कितने नंबर तक था? आपने नाम नहीं लिखा है क्या? कितने नंबर तक था? क्या नाम है? हेलो कुमारी सुन होगा। ये यहाँ पर 49 पर है। ठीक है, हाँ कोई कुछ पूछ रहा था कुछ? सर जैसल सुनिए। सर गंगा जी हैं सर, तीन लोगों को बताइए सर। ये है कि जैसे गंगा जी हैं, हर गांव में कोई ना कोई गंगा जी है, तो सर उनके आसपास के मतलब सर ज्यादा ज्यादा 500 मीटर के एरिया में जैसे प्रशासन, लोक प्रशासन हो गया, तीन प्रशासन, इससे सर जैसे यहाँ पे बिहार में जैसे सर शराब को भी लेकर आते हैं सर, तो वो इससे मतलब ये भी फायदा होगा सर, वो जैसे यूपी से आते हैं सर, उसका कंट्रोल होगा सर उनका। ऊपर से सर देखते हैं ये जो भी हम लोग जैसे कचरा वचरा जो भी लेकर जाते हैं। इनका कहने का मतलब है इसमें प्रशासन दखल दे सर, हल्का सर जैसे ये कहते हैं कि जैसे शराबबंदी को लेकर प्रशासन धर पकड़ करता है। क्या नाम बताया आपने? सर आयुष। आयुष ने कहा कि मतलब जो हम लोग ये प्रोग्राम चला रहे हैं, जो ट्रेनिंग चला रहे हैं, तो क्यों हम इसको प्रशासन को मतलब पुलिस को इसमें हम लोग इन्वॉल्व करें, पुलिस क्या करे धर पकड़ करे। ठीक है, पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये काम जो गंगा स्वच्छता का काम है, आप एक चीज और जान लीजिए, शराबबंदी है ना, रोज हजारों पकड़े जाते हैं, फिर भी शराबबंदी है ना? जब तक इलीगल गोली मारो, हम लीगल इलीगल तो नहीं जाते। मैं जिस संस्कार की बात कर रहा था ना, अगर शराब को हम अपने सामाजिक परिवेश में देखें, तो हमारे घर में बाबू सुनिए, जब लीगल मतलब क्या होता है सर? जो मतलब एक्सेप्टेबल हो सके एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल, ठीक है? उसमें क्या होता है, हम दो तरीके से अपनी चीज़ों को डिफाइन करते हैं। मैं खड़ा हो जाता हूँ, हम दो तरीके से चीज़ों को डिफाइन करते हैं, ठीक है? शराब के लिए सरकार ने क्या किया है, कानून बना दिया है, नियम बना दिया है उसने, ठीक है? तो होता क्या है, शराब के लिए सुनिए सब लोग, शराब के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक रूल बनाया है कि भाई आप नहीं पी सकते हैं, ठीक है? ये बिहार में जुर्म है, ठीक है? उसने एक कानून बना दिया। कानून कब बना? 2016 में।
लेकिन अगर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो ये कानून हमारे घर पे पहले से ही चला रहा है। अगर हमारे समाज में कोई व्यक्ति शराब हो जाता है तो उसे क्या लोग करते हैं, अरे मारो पियक्कड़ है कि नहीं है, हम बोलते ही नहीं बोलते हैं अरे पियक्कड़ ऐसे बात नहीं करना है। होता क्या है, सबसे पहले जो शराब पीता है, मतलब 2016 से पहले जब हम रूल की बात करते हैं, ठीक है ना, रूल की बात करते हैं तो पहले क्या हमारे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में रूल पहले से बना हुआ है कि नहीं है। हमारे घर में एक व्यक्ति शराब पीने लगे जब उसके पूरा परिवार उससे दूरी बना लेगा, उसे उसे माँ बात बात नहीं करेंगे, पिताजी बात नहीं करेंगे। तो इसलिए इसमें तो हम जो हमारे क्या है ना, हमारा जो समाज है तो हमारे समाज में इन सब चीजों को लेकर पहले से ही बना, सरकार ने 2016 में नहीं बनाया, लेकिन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हमारा जो समाज था उसने शराब पीने वाले लोगों को पहले ही दरकिनार कर दिया, किया कि नहीं किया है। रोड पे एक शराबी चले, देखिए जितने शरीफ लोग रहते हैं क्या होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, जो एक तरह से नियम है वो हमारे समाज में उसको पहले से ही बना दिया है। हम लोग उदंड बोलते हैं, उदंड 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 के लिए हमारे न देश में कोई नियम है न कुछ भी है। अगर आप किसी चीज़ को जुर्म करते हैं तब आपको सजा होती है, लेकिन हमारा परिवार क्या है, हम जिस घर में निकलते हैं बच्चा में, हम अगर चोरी कर देते हैं कोर्ट में वो नहीं जाता है, पुलिस के पास नहीं जाता है, लेकिन अगर पापा के पॉकेट से हम 10 रुपये निकालते हैं तो क्या होता है, हमारे घर में हमें मतलब गलत नजरों से देखा जाता है, अरे चोर हो गया है, ये चोर हो गई है कि नहीं है। तो भले हमें जुर्म नहीं दिया जाता है लेकिन वो चीज़ें हमारे घर से ही शुरू हो जाती है, हमें लोग नफरत के भाव से देखते हैं, यहाँ तक कि कुछ रखना भी हो घर में बढ़िया चीज़ तो कहते हैं इसे छुपा के रखना, ये चोर हो गया ये ले लेगा। तो हमें क्या है ना, बी चेंज बी फर्स्ट चेंज, हमें क्या करना, हमें पहले परिवर्तन करना है, हमें पहले बदलना है। हम शराब नहीं पिएंगे ना लोगों को पीने देंगे, पुलिस हमें यही शपथ दिलाती है। हमें क्या करना है, जो काम पुलिस करता है वो काम मुझे करना है। हम गांव के लोगों को घर के लोगों को बताएंगे ना हम गंगा के पास कूड़ा डालेंगे ना हम गंगा को कभी गंदा, फिर पुलिस अपना काम करेगा, पुलिस को हम इसमें क्यों लाएं। महात्मा गांधी दांडी यात्रा के बारे में आप लोग सुने हैं ना, दांडी यात्रा के बारे में कितने लोगों ने सुना है, दांडी यात्रा जब शुरू की करने वाले थे महात्मा गांधी तो उन्होंने अपने 5 मित्रों के साथ बैठक की, उन्होंने कहा यार मैं सोच रहा हूँ देश में अंग्रेज इतने बढ़ गए हैं अपना देश गुलाम है, हमें लगता है ना मुझे एक यात्रा शुरू करनी चाहिए, है ना। समझिए वो अंग्रेज, अगर उन्हें लगता था कि ये आदमी हमारे खिलाफ में भारत में मुहिम चलाना चाहता है हमें भगाने के लिए, वो क्या करते थे, उनको पैर से बांध को उनका हाथ पैर काट दिया करते थे। वो इतने मतलब जर्जर किस्म के अंग्रेज थे और उस परिदृश्य में आज़ादी के लिए मार काट हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं और उसमें हम आए और कहेंगे मैं यात्रा करूंगा तब आज़ादी मिल जाएगी, सब हमें पागल कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अब आप समझिए दो धुरों में लड़ाई चल रही है, ठीक है, वहां पे प्रशासन भी फेल्योर है, पुलिस भी फेल्योर है, बड़े बड़े लोग फेल्योर है, वहां पे मैं कहूंगी नहीं मैं जा रहा हूं ना, मैं सत्याग्रह करूंगा, मैं ना दोनों के लिए पानी में बैठ जाऊंगा, तब जब तक तुम दोनों नहीं लड़ना बंद करो तब तक मैं नहीं बैठूंगा। वहां पे हमें लोग कहेंगे ये पागल हो गया, अपने तो मरेगा नहीं ये मर जाएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है। महात्मा गांधी ने जब अपने दोस्तों के साथ इस चर्चा करा कि मतलब मैं आजादी के लिए यात्रा शुरू करूंगा, सब कहे तुम पागल हो गए हो, मतलब देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद गोली चला रहे हैं, प्राण कितने लोगों ने प्राण त्याग दिए और तुम कह रहे हो कि यात्रा से, तुम यात्रा से क्या करोगे, तुमको उठा के बंद कर देंगे। लेकिन इसके पीछे महात्मा गांधी की बहुत बड़ी सोच थी, इसके पीछे यात्रा के पीछे महात्मा गांधी की बड़ी सोच थी। होता क्या था उस समय, जब हमारा देश प्रतंत्र था गुलाम था, उस समय क्या होता था, हमारे अंदर सामूहिकता नहीं थी, हम यूनिटी में नहीं थे, हम जैसे पेड़ की टहनी है ना उस तरह से हम बिखरे हुए थे, हम क्या थे पेड़ की टहनी उस तरह बिखरे हुए थे, हम एक साथ 10 लोग कहीं नहीं जा पाते थे। उस समय के इतिहासकार कहते हैं कि जब अपना देश प्रतंत्र था तो उस समय 4 लोग एक साथ तभी निकलते थे जब किसी घर से किसी की अर्थी निकलती, अर्थी आप समझ रहे हैं ना, हमें इतना मतलब डायरेक्टरी में तोड़ दिया गया था, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू में भी ये जाति के हैं, ये जाति के हैं, ये इनकी जाति ये है, ये मांस निकालते हैं, ये मुर्गा खाते, मतलब आप समझिए ये हलाला करते हैं तो ये डायरेक्ट गर्दन काट देते हैं,
मतलब इस तरह से हमें विभाजित किया गया था कि हम आपस में लड़ते थे, तो आपस में लड़ते थे तो होता क्या था कि बाहरी आकर के हम राज करता था। गांव में आप सुने हैं ना कि ये बहुत लड़ाई लगवाता, बहुत झगड़ा लगवाता है। उस तरह ये भी उस मतलब उस समय यही समस्या थी। अंग्रेज आराम से कुछ अंग्रेज आए राज करने लगे। महात्मा गांधी ने सोचा मैं डांडी यात्रा शुरू करूंगा। और आपको विश्वास नहीं होगा कि महात्मा गांधी ने जब डांडी यात्रा शुरू किया तो मान लीजिए जिसके पास हथियार था वो हथियार लेकर लड़ता था अंग्रेजों के खिलाफ। अब मेरे पास हथियार नहीं है, आप में से कोई आया आगे और कहा कि भाई हम डांडी यात्रा शुरू करते हैं, आप आगे से शुरू किया, हुआ क्या, आपको देख करके 100,000 लोग हो गए। गांधी जी जब शुरू किए उनके साथ लाखों की भीड़ शुरू हो गई, लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अब अंग्रेज सोचने में विवश हो गए कि अरे यार हम तो सिर्फ एक ही को न मारेंगे। आप समझिए अगर एक साथ भीड़ आती है हजारों की, यहाँ पे 100 की संख्या में पुलिस रहे और 1,000 की संख्या में लोग मूव करते आए, नारा लगाते हो और कहीं नहीं तुम्हें पुलिस भागना है, वो सोचने पर मजबूर होगा कि नहीं होगा। 10 रहेगा मार के भगा देगा, 100 रहेगा मार के भगा देगा, 500 रहेगा मार के भगा देगा, लेकिन 1,000 मूवमेंट है। आप समझते हैं एक एक इंच भी फेंकेगा तो कितना होगा, 1,000 होगा। और आप 100 हैं और एक आदमी को अगर 2 इंच भी लग गए तो समझिए कि आपकी क्या स्थिति होने वाली है। मतलब मूवमेंट ऑफ मोशन समझ रहे हैं ना आप लोग। इंग्लिश का विद्यार्थी कौन कौन है यहाँ? मूवमेंट ऑफ मोशन कहीं नहीं बताइए कोई क्या होगा। मतलब एक ऐसा आंदोलन क्रिएटिव, मतलब सामने वाले के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए हम जब गंगा की सफाई को लेकर के आगे जाएंगे, मुझे पता है ये बहुत आसान काम नहीं है हम किसी को समझा पाना। एक बेस्ट टीचर कौन बनता है, जो स्टूडेंट को अपनी बातों को अच्छे ढंग से समझा पाता है। लीडर कौन बेहतर होता है, कौन लीडर बेहतर होता है, जिसकी बातों को जनता सुनती है कि नहीं है। जनता आई है कुछ दूसरा सुनने के लिए और मैं गया मैंने कहा भाइयों बहनों मैंने आपके जमीन में रोड बनवा लिया, जनता हमें मारेगी कि नहीं मारेगी? मारो इस बेवकूफ को, एक आप हमारे जमीन में रोड बनवा दिए। मतलब आप चीज़ों को समझिए, इसलिए हमें चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। आप जब मूवमेंट शुरू करते हैं ना, परिवर्तन देखिए, परिवर्तन के लिए अकेले खड़ा होना पड़ता है। कोई भी परिवर्तन 1974 आप लोग सुने, 1974 का जयप्रकाश नारायण के बारे में सुना है, जयप्रकाश नारायण जी 1974 में क्या किया, वो देश में जो सरकार थी उसके खिलाफ अकेले लड़ गए। हुआ क्या कि जयप्रकाश जी उस समय इतनी अत्याचारी सरकार थी उसी के लिए चुकी थी। जयप्रकाश नारायण कहाँ के थे, कहाँ के थे, बिहार के थे। जयप्रकाश नारायण जी ने जब शुरू किया हुआ क्या, जिस देश के जितने यूथ थे ना जयप्रकाश नारायण जी के साथ खड़े हो गए, देश के जितने भी यूथ थे जयप्रकाश नारायण जी के साथ खड़े हो गए। हुआ क्या, सरकार गिर गई। तो आप अपने मन में एक चीज डाल के चलिए, जब आप इतिहास बनाने निकलेंगे ना आपको शुरुआत अकेले करना पड़ेगा और आपके गतिविधि को देख करके आपके साथ 1,000 लोग खड़ा हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। गांव में एक लड़का, मैं एक ऐसे सुदूर गांव की बात करता हूँ, हम लोग को क्या कहते हैं दियरा क्षेत्र कहा जाता है ना, तो हमारे यहाँ एजुकेशन का वो बेस नहीं है, लेकिन फिर भी एक बच्चा अगर मैट्रिक में अच्छा नंबर लाता है तो जितने गाँव के लड़के होते हैं पढ़ने वाले सबके अंदर एक अलग व्यक्ति है, मुझे भी पढ़ के इससे बेहतर नंबर लाना है। एक लड़का अगर अच्छा मार्क्स लाता है, एक अच्छा अच्छी नौकरी पकड़ता है तो क्या होता है, सभी के अंदर सभी के माइंड में एक मैसेज जाता है। अगर उसने उस लड़के ने इस परिवेश में इस मिट्टी में रहकर के ये हासिल कर लिया, हम क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हमारे हमें करना कुछ नहीं है, हम गंगा दूध का प्रशिक्षण ले रहे हैं, हम गंगा दूध की ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमें क्या करना है, करना हमें कुछ नहीं है, सिर्फ हमें लोगों के अंदर एक भाव को जगाना है। जैसे भाव एक माँ का एक पुत्र के लिए होता है, पुत्र को चोट लगती है तो माँ कैसे बिलख जाती है, तो हमें यह सोचना है कि एक माँ गंदा हो रही है प्रदूषित हो रही है तो हमें उसे कैसे बचाना है, क्या करना है, कैसे बचाना है। अब ये नहीं है कि बड़ा बड़ा जाल लेके दिन भर अब यहाँ से गए पागल हो गए, नहीं, हमें गंगा को साफ ही कर देना है, बिल्कुल ऐसा नहीं। हमें अपने साथ एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है। डायरेक्टली डॉस पढ़ते हैं आप लोग, कंप्यूटर के विद्यार्थी कौन कौन है, कौन कौन कंप्यूटर पढ़ते हैं, देखिए वो इतना क्रिएटिव है कि उसने पंखा का
चलते उस पर बंद करिए पहले तब लगाइएगा। इसका इसका कारण कुछ नहीं, आपका ध्यान उधर ही है। इसलिए हमें क्रिएटिव बनना पड़ेगा, हम क्रिएटिव हो जाएं, हम सोशल हो जाएं, हमारे बिहेवियर में परिवर्तन आए। अगर पुत्र को चोट लगता है, बेटी को चोट लगता है, तो माँ को दर्द होता है, और माँ गंदा होती है, और पुत्र आराम से पूरा बढ़िया से स्प्रे वगैरह मार करके साबुन लगा के स्नान करके निकल के घूमता है रोड पे, तो उसको क्या पता माँ को क्या मतलब है। सिर्फ माँ को माँ कहने का मतलब है, ये क्या बोलते हैं 14 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, मकर संक्रांति आएगा, माँ और पिताजी के साथ जाएंगे, अपना जितना गंदगी होगा शरीर में उसमें छोड़ के आ जाएंगे। ये हमें थोड़ी मतलब है कि इनको साफ कौन करेगा, कौन करेगा। अगर गंगा को उपयोग हम करते हैं तो उन्हें साफ भी किसे करना है। मैं ये नहीं कहता था बस स्नान नहीं करिए, स्नान करने से गंगा गंदा नहीं होती है, लेकिन हाँ हम जाते हैं, हम लोग पहले नवरेखा घाट पर जाते थे, जब मैंने नौकरी ज्वाइन किया था तो कुछ महिलाएं थी, मैं आपको घटना बता रहा हूँ, तो मैं पूरा एनर्जेटिक था, मुझे लगा मैं जब पहली बार नौकरी में आया था 2020 में, तो मुझे लगा मैं तो एकदम पूरा साथ ही करके मानूंगा गंगा को, तो मैं आराम से जब ऑफिस में काम होता तो करता था, जब उल्लास समय रहता था तो मैं अपने 5 लोगों के साथ लेकर के और गंगा घाट पर चल जाता था, मैं सबको समझाते फिरता था। तब तक दिवाली का समय था 2019-2020 को ही, कोविड के बाद में कुछ महिलाएं घर से कपड़ा लेकर के आए, पूरा सर्फ लगा कर गंगा ही मधुरा शुरू करके मैं गया उनके पास, मैंने कहा ये आप क्यों कर रही हैं। उसने क्या कि उसने 5 गाली मुझे दिया, उस महिला ने मुझे 5 गाली दिया और कहा कि जैसे रास्ता साइड पड़े ना वही रास्ता से तुम चली जाओ, नहीं तो बहुत मार मारेंगे। उसको क्या पता है कि हमने मानवीय जमीन का अधिकारी है कि क्या है। जब मैंने उसको परिचय दिया और मैंने कहा कि तुम्हारे ऊपर 1000 रुपये का फाइन कटवाएंगे, तब वो डरे, उसको पुलिस से बहुत डर है, उसको ये डर है कि हमें 1000 रुपया लग जाएगा तुरंत। मैंने तुरंत एक अधिकारी को फोन करके कहा कि आप आइए और इसको ले जाइए, तो तुरंत हाथ धो धोने लगे, बोली हमसे बहुत गलती हो गया, तुरंत उसने इकट्ठा किया और तुरंत निकल गई वहां से, 1 मिनट भी नहीं लगा उसको। तो हमें क्या करना, पहले हाथ जोड़ करके लोगों को समझाना है, बाकी सरकार का काम है फाइन कटना और ये करना, उसके लिए बिटिक रहना। अरे हाँ समय नहीं है, लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए हमें क्या करना है जागरूकता के लेवल को बढ़ाना है। आज 50 को मैंने कभी बताया था, हम 50 लोग हैं घर में, हम 5 लोग को प्रेरित करेंगे कितने हो जाएंगे, 250 हो जाएंगे, वो 250 अगर 5 को करेंगे कितने हो जाएंगे। तो परिवर्तन ऐसे ही आता है, परिवर्तन कोई एक दिन का विषय नहीं है, बस तुरंत हम गए हम गंगा को गंदा नहीं करेंगे 50 लोग, ऐसा नहीं है, इससे नहीं होगा। अब ठीक है 50 नहीं करेंगे, लेकिन आपके बाद जो समाज वो तो करेगा ना। इसलिए हमें अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रखना है, प्रस्तुत करना है। बात को समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। पौधा किनको किनको लगाना है, मैं सबको फोन करूंगा, जान लीजिए मैं जब खाली रहता हूँ मैं सबको फोन ही लगा के पूछता हूँ कैसे हो भाई, आपका हाल चाल लूंगा, अगर आपको मैं कहूंगा कि आपने क्या क्या किया है, आपसे प्रमाण भी लूंगा, ठीक है ना। आइए मैं आवाज जारी, यस सर, आवाज कैसे भी जारी होगी बिना माइक के, नहीं माइक से कौन 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 आए थे आपके भैया। हाँ आज पहले दिन आए थे, आज हम इस कार्यक्रम में पहले दिन आए, हम चाहिए ईमानदारी से हमको चेहरा याद है। हाँ हाँ आप पूछिए, तो जो आज पहले दिन आए वो बैनर पूरा पढ़े होंगे, पढ़े कभी लोग आते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं कि फर्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है, अंदर का पूरा कहानी पढ़ लेंगे लेकिन कहानी का शीर्षक क्या था वो नहीं पता है। तो जैसा कि अभी हमारे मार्गदर्शक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत श्री शैलेश जी बता रहे थे हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसका है, किसका है, लिखा हुआ है ना नमामि गंगे कार्यक्रम में किसकी सहभागिता के लिए कार्यक्रम ये है। तो हम क्या है, हम क्या है,
भगवान क्या करते हैं भाई? युवा क्या करते हैं? युवा क्या करते हैं? कर्मियां बताए थे, जो कराए थे पता है। युवा यानी कौन है कि नहीं? युवा में हमेशा नया नया कुछ करने की क्षमता डेवलप होते रहता है। तो हम सभी युवाओं के लिए ये कार्यक्रम है, युवा युवतियों के लिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल से ही चल रहा है सत्र, गंगा हमारी माँ है, गंगा के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना? तो कल कई लोग संकल्प लिए थे कि हम इस माह में, चले व्यापने या उससे पहले, तीन चार गांव में, वो जो गांव का तो नानी जाता नहीं है, लेकिन ये लोग मिलकर संकल्प लिए कि हम अपने गांव में जो पूजा का सामान है उसको भी गंगा जी में डालेंगे, पूरे नहीं डालेंगे, और पूरे गांव में एक जागरूकता करके गांव में किसी मंदिर के आसपास या किसी गांव के किनारे गड्ढा खोल के उसी में डंप करेंगे और उसको ढकेंगे बराबर। बहुत संतोषा है, बहुत ये तो गांव की नानियां जाती है नहीं, लेकिन ये एक काम, हम एक काम स्वच्छता की, एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ेंगे, है ना? और कितने युवा गंगा घाट पे जाते होंगे, शाम सुबह जाते हैं, क्या करते जाके, क्या करते हैं? वो पैकेट का कुछ लेके जाते हैं, खाते हुए छोड़ के जाते हैं। खाइए, आराम से खाइए, आनंद लीजिए, लेकिन गंदगी जहाँ खाइए वहीं पर, ठीक है? तो हम आज जब समापन कार्यक्रम हुआ उसके बाद से, जैसा बताया कि हम हमारे साथ एक नया टैग रखने वाला है, ऐसा नाम दिया गया है, एक नया टैग रखने वाला, वो क्या है? तो आप आज से गंगा दूध हो जाएंगे। तो ये लेकिन कल भूल जाएगा कि हम गंगा दूध नहीं है, भूलना नहीं है, इसको आजीवन याद रखना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको अपने क्षेत्र में उतरना पड़ेगा, हमको छोटी छोटी टोलियां बना के, जैसे हम आज अपने गांव में पांच लोग अपने गांव से आए हैं, दस आए हैं, तो हमको अपने गांव में कम से कम 5 से 50 बनना पड़ेगा। हो सकते हैं क्या? एक टीम तैयार कर सकते हैं? उस टीम के साथ हमको गांव में कार्यक्रम, क्योंकि जब तक कार्यक्रम नहीं होता तब उत्साह पैदा नहीं होता है, कार्यक्रम के माध्यम से ही सफलता हासिल होती है। आज देखिए 2014 से नमामि गंगे लगा हुआ, आज एक अच्छी श्रृंखला में पूरे देश भर में जहां जहां गंगा गुजरती है वहां पे माहौल तैयार हो गया, गांव गांव से लेकर शहर में। तो इसमें हम सबकी भूमिका है, तो हम अपने अपने गांव में 5 से 25, 10 से 50 ऐसा होने का संकल्प लें। कितने लोग यहां से जाने के बाद काम में लगेंगे? हम भाई आप नीचे क्या करना है भाई, खड़ा हो जाइए, कौन सा काम करना जाने पर? और कोई इधर से करते क्या करते हैं? साफ रखने के साथ साथ अब हमको जागरूकता भी फैलाना, ठीक है? कोई काम हम करते हैं लेकिन हमारे साथ करने वालों की टीम खड़ी होनी चाहिए, है कि नहीं? कल हम बताए थे कि कल का प्रशिक्षण आज समाप्त हुआ, कहां पे जाके? मैं से हम की ओर, मैं से यात्रा कहां शुरू होगी कल से? मैं से हम की ओर। आज
कल तक हम अपना मैं तय करते रहे, लेकिन हम आवाज से क्या करेंगे, हम सभी हम लोग अकेले कोई काम ऐसा क्षमता डेवलप करना है, ऐसा क्षमता बढ़ाना है कि हम जितने भी गांव के युवा हैं, ठीक है, 4, 5, 10, 15 जो भी हैं, वो गांव में कभी निकलेंगे, सुबह में प्रभात फेरी निकालेंगे, है ना। साइकिल लेके कितने लोग आए हैं, सर बताए थे हम सबको साइकिल से आना, लेकिन सब लोग संकल्प लिए कि आप जो कहेंगे वो नहीं करेंगे ना। पैदल चले आप, साइकिल नहीं थे, गाड़ी भी है। तो हम सभी अपने गांव में जागरूकता कार्यक्रम करें, सुबह में या शाम में एक बार डोर टू डोर, डोर टू यानी हर एक घर में नौ करना है, हर एक घर में जाके समझाना पड़ेगा। लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है क्या कि हम पूजा का भी सामग्री, बाकी और भी चीज जो है, शादी विवाह आजकल चल रहा है, शादी विवाह में बहुत सारा कचरा ऐसा निकलता है जिसको हम इधर उधर भी फेंकना चाहते हैं, कहाँ फेंकना चाहते हैं, गंगा में, गंगा जी में, लेकिन लोगों को जागरूक करना पड़ेगा ना। एक हम लोग कार्यक्रम अभी अपने अपने क्षेत्र में तय कर सकते हैं क्या, कितने गांव से लोग आए, करूं बलिहार और नगपुरा और कहां कहां से थे, सेमरी और कहां से, न्यालीपुर से, कितने लोग हैं खड़ा हुए, हाँ बैठते लड़के नहीं है, न्यालीपुर नहीं लड़कियों नहीं कमा, तो अभी आज से ठीक 6 दिन बाद क्या आने वाला है, कल बताए थे क्या, गंगा दशहरा, गंगा दशहरा अपने अपने कुछ कोई ज्यादा खर्च वाला काम नहीं करता, अपने गांव में एक माहौल तैयार करिए। जब तक हम कल बताए थे राष्ट्रभक्ति से गंगा भक्ति पे ले गए थे ना, तो जब तक किसी से लगाव नहीं होगा, किसी के प्रति हम समर्पित नहीं होंगे, तब तक उससे भाव नहीं जुड़ेगा उसको कुछ कर गुजरने के लिए। जैसे हम माता से जन्मे हुए हैं, पिता भी हमारे खून के अंश हैं, भाई भी हमारा खून का अंश है, तो हमारा उससे उसके लिए हम मर मिटते हैं, कोई शोभन के निकल जाए, निकल जाएगा क्या आपके रास्ते, क्योंकि उससे आप क्या है, लगाव है। तो गंगा से भी लगाव कब होगा, जब हम अधिक से अधिक उसके बारे में सोचेंगे, उसके लिए कुछ करने की नया नया योजना बनाएंगे। ऐसा एक काम कर सकते हैं क्या सभी लोग अपने अपने गांव में, हम गंगा किनारे 5-9 जून को सुबह में युवा उतर के वहां की साफ सफाई करें, और शाम में सभी लोग एक एक दीप लेके जाएं, ज्यादा कोई खर्च वाला काम नहीं है, सभी लोग एक दीप लेके एक समय पे गांव में एक ऐसा माहौल तैयार करिए, गांव के युवा महिला वृद्ध बच्चा सभी अपने घर से निकले और एक दीप अपने घर से ही एक शाम गंगा के नाम ऐसा कार्यक्रम तय करके ज्यादा खर्चा नहीं करना उसमें। अगर आप एक साथ किसी गंगा तट पे 50 लोग दिया लेकर खड़ा होकर अगर दिया दिखाएंगे एक साथ, तो कैसा दृश्य बनेगा, आप सोचिए, मन में कल्पना करिए कैसा हो सकता है, क्षण से भी अच्छा दृश्य बनेगा। ऐसा कर सकते हैं क्या आपके गांव में, कौन कौन गांव में होगा भाई, मानिकपुर और त्रिपुरा नगपुरा, लेकिन भाई नोट कर लीजिए, हाँ, तो इसका भी एक आप फोटोग्राफी करिए और इसको भी आप भेजिए, अभी जो सहेज है का नंबर आप सभी लिखे हैं ना, वहां पर आप भेजिए। कोई ज्यादा खर्च वाला काम नहीं है, कम से कम खर्च में हम बढ़िया कार्यक्रम और गांव में गंगा के प्रति माहौल तैयार कर सकते हैं। कोई भी आंदोलन सभा तब सफल होता है जब पूरा
पूरा देश में, पूरा गांव में, गांव गांव से शहर शहर तक माहौल तैयार होता है। तो हम गंगा के प्रति माहौल ही तैयार कर सकते हैं क्या अपने गांव में? तो 9 जून के दिन ये तय रखेंगे, सुबह में हम सभी जहां कार्यक्रम करेंगे वहां सफाई कर देंगे, 4-5 लोग जाके, 10 लोग 15 लोग जाके, और शाम में कैसा माहौल तैयार करेंगे देवी मानी के पूछते ना मैं। राहुल जी देखिए, राहुल जी वहां का मैंने आपके आइकॉन है, तो ऐसा कर सकते, देखिए ज्यादा कोई खर्चा वाला काम अलग से दिया हो, देखिए जितने लोग इकट्ठा हो रहे सबको पंक्तिबद्ध तरीका से खड़ा करिए। ऐसा एक कार्यक्रम त्रिपुरा में हुआ था, इतना अच्छा दृश्य बना था, 1000 महिलाएं चूना से रेखांकन किया गया, ब्लॉक बनाया गया, सब महिलाएं ब्लॉक में खड़ी हुई लाइन से कतारबद्ध तरीके से और अपने हाथ से दिया गई थी, सब दिखा रही, ज्यादा कोई खर्च भी नहीं हुआ, कम खर्च में अच्छा कार्यक्रम हो गया। और गांव में गंगा के प्रति माहौल भी बन गया। सब हम केवल माँ मानते कहने के लिए माँ नहीं है, माँ को पूजा जब करेंगे, माँ के प्रति श्रद्धा जब, माँ की स्वच्छता करेंगे तब जाके माँ के प्रति लगाव होगा। और इसके बाद जैसा कि वृक्षारोपण की बात हो रही थी, आप सभी वृक्षारोपण लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे, केवल करना बड़ी बात नहीं, सरेश ने बताया कि उसको अपना बेटा की तरह, पुत्र की तरह, संतान की तरह उसको बड़ा करिए। पौधा से वृक्ष, वृक्ष से पेड़, जब तक अपने पैर बैठाए तब तक उसका देखभाल करिए। एक बार हम अपने गांव में कोई एक ऐसा कार्यक्रम इसके अलावा करेंगे जिससे हमारे गांव में पूरा गांव आदर्श गंगा ग्राम हो सकता है, ऐसा कोई संकल्पना हो तो मन में आप खड़ा बना सकते हैं, हम लोग भी उसको अगले गांव में लागू करेंगे, अगले कोई प्रशिक्षण में हम जो है उसका फॉलो अप करेंगे, बताएंगे भाई देखिए यहाँ के प्रशिक्षण में 3-4 नयोग मिलकर अपने गांव को आदर्श गंगा ग्राम घोषित करने के लिए, आदर्श लगाने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना, वैसा दिखना पड़ेगा ना, गांव गांव में जगह जगह हम रेखांकन कर सकते हैं, वो वॉल पेंटिंग करा सकते हैं क्या गंगा को लेके। तो ऐसा कौन सा गांव है जो अपने गांव को आदर्श गंगा ग्राम बनाने में हम युवा, वहां के 5 युवा आए हैं 7 युवा आए हैं, वो एक पूरे जिला भर उसको आदर्श गंगा ग्राम घोषित कर दे हम लोग मिलके, हमारी बात समझ में आ रही है बात समझ में आ रहा है? गंगा ग्राम तो हम गंगा ग्राम चाहते हैं, वो तो सरकार द्वारा घोषित है, नमामि जन के द्वारा घोषित है कि सिमरी में 10, वो 20, बक्सर में 17, चौसा में 8, ब्रह्मपुर में 1 या 2 है, उधर चक्की में भी है। तो हम गंगा ग्राम के तो निवासी हैं ही, लेकिन हमारे गंगा ग्राम को आदर्श गंगा ग्राम बनाने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? आप युवा हैं, कुछ सोचिए क्या कर सकते हैं हम गंगा की स्वच्छता के लिए, गंगा की निर्मलता के लिए। खड़ा हो सही, कोई बता रहे, खड़ा हो, खड़ा हो, पोस्टर पे क्या और बैठे और सबको बोलना चाहिए भाई सर। हाँ खड़ा हो सर, जैसे रोड पे होता है वैसे साइड में डस्टबिन रखवा देना चाहिए सर, सर रोड पे जैसे लोग खाते हैं सर प्लास्टिक ऐसे ही रहकर फेंक देते हैं, तो उससे भी पोल्यूशन का काम। और कोई हम आदर्श गंगा ग्राम बनाने के लिए अपने गांव में क्या क्या कर सकते हैं? राहुल भैया अच्छा एक बात बताइए, किनको किनको मतलब अच्छा पेंटिंग बनाने आता है, कागज पर कौन कौन अच्छा बना सकते हैं सर? देखकर बनाना है कुछ भी, जैसे पेंटिंग करें मतलब मान लीजिए 4 साइज का कॉपी हो गया, यस सर, ठीक है,
इस पे हम एक पेज को बना लिए गंगा को साफ रखें, कुछ संदेश देना उसमें हाँ। और उसको कुछ नहीं करना है, अपने स्कूल के बारे से चिपका देना है और उसमें अपना नीचे नाम लिख देना है, नाम लेकर लिख देना गंगा जो, उसको चिपका दीजिए कुछ फिर, या अच्छा सा कुछ स्लोगन बना सकते हैं बड़ा कार्डबोर्ड पे, तो आप उनसे संपर्क करिए, कार्डबोर्ड हम सोनू जी के माध्यम से पहुँचवा देंगे आपके, उसको बना करके और उसको फिर कहीं बढ़िया से या तो मतलब जो भीड़ भाड़ का जगह हो वहाँ भी लगा सकते हैं हम लोग। सबसे बेहतर होगा कि स्कूल के ऑफिस के सामने, क्योंकि वहाँ पर ऑफिस में सभी लोग आते हैं, वहाँ पर बेहतर होगा। या आप जाइए, समय आपको मिलता है तो वीडियो के कार्यालय के सामने लगा दीजिए, वहाँ पर भी लोग देखेंगे, थाना पर लगा दीजिए, कॉलेज में लगा दीजिए। कौन जानता है, लालू मंडल के तरह आप लोग ही है।